पढ़ाओ पढ़ाओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, सुनाई देता ना। बिल्कुल बस और पास आ जाए भैया। सबसे पहले बहुमान फिल्म के ट्रेलर जो लॉन्च हुए हमारे कंपनी, ये कंपनी से सबसे इतना प्यार उदार मिल रहा है, बाइक के तुम हैं। सबसे खुशी की बात ये है कि आज ये मंदिर में भोजपुरिया परिवार सके इकट्ठा भी हुआ, हम सब आदेश के आशीर्वाद दे दिखा के इसके लिए दे सकते हैं। क्यों और ये फिल्म के बारे में जो आपने पूछा, फिल्म हमारे पास कैसे आई, इस फिल्म के कैरेक्टर हैं हमारे चाचा चंद्रभूषण मणि जी और हमारे बड़े भाई राम शर्मा जी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उनके भतीजे हैं हमारे बिहारी जी। ये दोनों जब हम बॉम्बे में शूट कर रहे थे तो ये प्रोजेक्ट लेके मेरे पास आए और जैसा इन लोगों ने बताया कि राम शर्मा जी हैं, ये फैमिली मेल का बिजनेस है बहुत बढ़िया सा, और वहाँ से आके ये हमको साइन किए, हमको समझे कि नहीं मेरा छोटा भाई है और इनके फिल्म में हमको काम करने का मौका मिला। आपको दिल से थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये रानिया भी चाहिए सर, तो क्या बात है वाह। और ये भी इस फिल्म में काम किए बहुत अच्छा, मेरे बड़े भाई के किरदार में है और हम तो बात करेंगे, भैया भी बात करेंगी और ये अंजना जी बात करेंगी, हम सब परिवार बात करेंगे। बिल्कुल अंजना मैम से तो सवाल है ही, मैम इस बार विषय में आपके पास माइक देता हूँ। हमने देखा कि बात के बाद आप जो है तलवार चला रही है, कौन सा के साथ तलवार चला रही है, थोड़ा सा अगर आप कुछ हमें यादगार पल बताया जब वो सीन शूट हो रहा था, क्या चोटें लगी या किस तरीके से आप लोगों ने केमिस्ट्री बनाई, मजा आ जाएगा प्लीज आप दे सकते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारी टीम के लिए, यहाँ पे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं राम शर्मा जी का और ये फिल्म मैंने कैसे की, क्योंकि उसका सारा क्रेडिट करूँ जी राम जी लेकिन आपने जो सुनाया मुझे तो मुझे भी डायलॉग याद आया इस फिल्म का कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, डबल का बोले ये दिल का मामला है। सर की तरफ चलते हैं, सर ये बताएं कि दो तो अभिनेत्रियाँ आपकी इस फिल्म में हैं, एक से काम चलता नहीं या फिर ऐसे नॉर्मली सर थोड़ा सा मतलब आपको मतलब ऐसे शक्ति आ जाती होगी? नहीं नहीं दुबे जी, देखिए आप अरुण दुबे आपका आप जो मजे लेते हैं आप मजे लेके मजे लेते हैं और कोई भी आर्टिस्ट जाके भी आपके अपना मजा दिखा नहीं सकता क्योंकि आप इतने अच्छे से मजा लेते हैं। सर मेरा एक सवाल है, जिस तरह से इस फिल्म में एक्शन है कहीं ना कहीं साउथ फिल्म के लेवल को टक्कर दे रहे हैं। सही बात है, किसी को कदर क्या देना है, बस हम ये चाहते हैं कि हम सभी जो है अच्छा से काम करें
में यही है और यही रहेगा। सर ऐसा नहीं लगता कि ये फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए जाना चाहिए, वो हमारी भोजपुरी की भी फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए जाना चाहिए। भाई हम लोग तो बैठ कर कोशिश रही, हम सब कलाकार जो एक्टिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं और किस लेवल पे हमारी सिनेमा जाएगी इसके हमारे साथ साथ हमारे प्रोड्यूसर भी हमारा सहयोग देंगे तो शायद ये मामला थोड़ा और आसान हो जाएगा। देखेंगे नहीं डायरेक्टर साहब तो यहाँ है नहीं, लेकिन मैंने देखा पूरे शहर में कपड़ों की इतनी ज्यादा बरसात हुई है, हर कोई एक दूसरे को, तो ये सिर्फ मजे के लिए था या वाकई में इसके पीछे कोई कहानी है? मैम अगर आप बताएं, आपने भी एक दो कपड़ खींचे हैं? नहीं, मैंने खींचे नहीं, मुझे पड़े हैं। सीन्स होते हैं कि आपको मानना होता है, क्या चलता है डायरेक्टर ने बोला आप शुरू हो जाते हैं या फिर वाकई में थोड़ा सोचते हैं कि भाई? नहीं सर, ये देखिए हमारे फिल्म की कहानी होती है और जैसी कहानी होती है डायरेक्टर हमारा जो सजाते हैं उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ऐसा काम करें कि हमारे काम की प्रशंसा हो और फिल्म में हीरोइन प्यार के लिए होती है, इमोशन के लिए होती है, एक लगाव के लिए होती है, थप्पड़ मारने के लिए। तो थप्पड़ मारने का सीन होता है उसके लिए कैमरा का एंगल है ना, लगता है कि लग गया लेकिन लगता नहीं, लगता है कि लग गया लेकिन लगता नहीं, लगता नहीं, लगता नहीं। सर एक सवाल आपसे और है कि हमार स्वाभिमान का ही नाम है, पवन सिंह की नज़र में स्वाभिमान का मतलब क्या होता है? लंदन से आके ये जो हमारे भाई साहब एक कोशिश किए हैं कि हमारे फिल्म की स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, हमारे कल्चर से मतलब जुड़न होके, हमारे बूढ़ होंगे जैसे चाचा पापा आजी बुआ ये सब के फिल्म में वो लगाव के काम के लोग बड़े दिखने से सम्मान करके चाहिए, कैसे इज्जत करेंगे चाहिए, बड़े किसानी कैसे बैठने की चाहिए, बड़े किसानी कैसे खड़ा होने की चाहिए, ये फिल्म में दर्शाया गया है। सबका सम्मान सबका इज्जत। और मैंने पहले एक बात बोला था, हमारे चाचा जो हमारे गुरु जी हैं अजीत सिंह जी, उन्होंने हमको बचपन में ही बताया था कि बेटा, क्योंकि हमारे चाचा को हमारे बाबा तभी इजाजत दिए गाना गाने के लिए कि बेटा किसी का प्रोग्राम अगर एक रुपए में फाइनल करना तो उसको कैंसिल करने के लिए दुनिया में दूसरा पैसा ना भरा, ताकि उस पैसे के लिए कम से एक रुपए घुसो, तभी हमारे चाचा को इजाजत मिला। और चाचा हमको जब शिक्षा देने लगे तो बोले बेटा इंसान के अंदर अभिमान नहीं बट स्वाभिमान, अंजना मैं आपसे ये सवाल जरूर हो गए, आप बहुत खुश हैं, आप देख पा रहे हैं आप लोगों को देखकर, आपकी जोड़ी को देख करके इतने लोग ज्यादा खुश हैं, लेकिन जब आप बहुत दिन बाद आप दोनों ने साथ में केमिस्ट्री बनाई है, स्क्रीन शेयर किया है, आपको जब अचानक पता चला कि कौन जी के साथ आपको काम करना है, क्या चल रहा था जहन में और जब इनके साथ आप काम करती हैं कितना कम्फर्ट फील करती है, क्या कैसे आप बयां करेंगे? हो जाए तो अपने आदमी दुनिया के किसी भी को
क्योंकि आज ये जो मैं बोल पा रहा हूँ ये हमारे जो भगवान स्वरूप जो ऑडियंस है उन्हीं का आशीर्वाद, नहीं तो हमारे जैसे बहुत घूम रहे हैं, किसी को पूछने वाला नहीं है। आज हम खड़े हैं तो हमारी ये ऑडियंस का देन है। तो कहीं भी आदमी रहेगा अपन भाषा बोले वाला क्यों नहीं ज्यादा, जैसे मान लो कहीं खड़ा बने आप खाली अंग्रेजी चला तो हिंदी नहीं कर सकते। लेकिन अब वही में से कौन आवाज आ गई, जी नमस्ते कैसे मानी, चाहे हाय भैया कैसे लगता है यार ये अपने तो ये खुशी की बात है। ये होके चाहे कि हमने के जो भाषा के बारे में हमने के मिल के काम करेंगे, ठीक है। जिसे अकाउंट कुछ ना हो रहा हो अपने भाषा में अपन मिल के हमार माटी प्रोग्रेस करे, हमार माटी आगे बढ़े और हमने हिंदुस्तान के जय जय हो। आखिरी में अब प्रोड्यूसर साहब के पास चलते हैं इस वजह से क्योंकि इन्होंने हम सभी को आज यहाँ जुटाया है। बिग बॉस में कब दिखेंगे आप? अच्छा सवाल था, आप लोगों की इच्छा बता क्या? बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे भाई हे भाई हमको सलाह देते हैं कि भैया मत जाइएगा, मत जाइएगा सर, आप बॉस हैं। ऐसा नहीं है कि फोन जी को ऑफर नहीं आया, जी जी बहुत साल पहले से ऑफर आता है, आ रहा है, लेकिन कुछ भाइयों ने बोला कि भैया क्यों जाएंगे कहाँ ना जाएंगे, लेकिन देखा जाएगा समय बताएगा। तो दिन करेगा वही करेंगे। आप मीडिया को मिले हैं तो मैं थोड़ा सा लॉलीपॉप को लेकर बताइए, हम लोग उत्साहित हैं, हम जाए चाहे ना जाए। जाना सौभाग्य की बात है, लेकिन एक बात बता दूं कि हम जान गई बानी चाहे लिखी गई, हमने मीटिंग भी किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन आगे कभी बैठे जी के बात कही, लेकिन आपके भाई का गाना तो बनता है ना वहाँ, और मुझे लगता है कि वर्ल्ड में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ मेरा वो गाना और लोग आने का जो कद है वो आप लोगों के कृपा से और बढ़ते जाओ, इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। सबकी दुआएं आपके साथ हैं, सबकी दुआएं आपके साथ हैं। लेकिन अनुभव बहुत का सभी को बहुत वाकई में जल्दी से मिला है, क्या प्लान हो चुका है क्या? तब तक हम लॉलीपॉप टू का प्लानिंग 3 महीना पहले से ही हो गया है, मैं ही समय नहीं दे पा रहा हूँ, जैसे मैं अपना समय दूंगा म्यूजिक पे बैठूंगा, म्यूजिक फाइनल होगा उसका फट से शूट होगा और फट से सर सर कौन सा ये बताइए कि क्या वाकई में ये सच है कि सभी लियोनी इस गाने में है और 2 बार दे चुकी है और आपके पास टाइम नहीं आया वाकई में सनी लियोनी? ऐसा नहीं है, हमसे इतना मत बोलवाओ के मत बोलेगा, कौन बोलेगा आप मैं सबसे तीन बार में मिलते हैं कौन सर? एक सवाल मेरा है, जिस भी लॉलीपॉप टू में मतलब हमारे गाना में हम सुमत और जे छोमी वो एक बड़ा ही नाम होगा आप लोगों के आशीर्वाद से। क्या बात है सर, सर भोजपुरी की बॉलीवुड आपका दीवाना है सर, भोजपुरी की बात चल रही है, समाजवाद का बहुत बड़ा अंत हुआ है सर, मुलायम सिंह यादव का स्वर्गवास हुआ है, कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ भी देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आज चाहूंगा जो हमारे धर्म भाई आप जरा क्योंकि ऐसा नेता सबके चहेता बार बार सड़कों पे नहीं आते हैं, मैं चाहूंगा कि दोनों के लिए हम लोग उनके लिए कौन समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव साहब के निधन पर आज हम सब 2 मिनट का मौन रख रहे हैं।
होता है, प्लीज इस बात को जरा ध्यान से सुना जाए और सब लोग शांति बना के दो ओम शांति, ओम शांति, ईश्वर की आत्मा को शांति। तो मुझे लगता है कि दोस्तों मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब यहाँ पर समाप्त किया। हाँ, अरे सर,